तो क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही हम लोग को करना है, कोई अलग चीज नहीं करना है। यहाँ पे तो देखो, तो फंक्शन क्या दिया है मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में, वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो आउटर फंक्शन है मेरा कॉस, इनर फंक्शन है मेरा ये ब्रैकेट, ठीक है। तो मैंने अगर इसको कॉस एक्स बोला, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया मैंने, बराबर एक्स के साथ ही डिफरेंशिएट करूंगा। अच्छा अगर तो ये कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव पता है ना हम लोग को, कॉस एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एक्स, क्योंकि वो सी है तो नेगेटिव आता है। तो मैं क्या बोलूंगा, ये डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैंने एक्स अज्यूम कर लिया तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, लेकिन क्या वो एक्स था, वो एक्स नहीं था, वो क्या था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। तो यहाँ पे खत्म हो गया, क्या नहीं, क्यों, इनर फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इनर फंक्शन क्या है, तो मैं बोलूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो तो सिंप्लीफाई करना है मुझे, तो ये क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस साइन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा इनटू ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आना है, तो वो है टू एक्स प्लस ये ए स्क्वायर, मतलब ए मतलब कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, तो वो चला गया। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा, देखो माइनस साइन या फिर ये टू एक्स आगे आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा माइनस टू एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज माय डी वाई बाय डी एक्स, आया समझ में। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, आया समझ में, बहुत इजी है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया है, रूट का फंक्शन है, जैसे हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये यहाँ पे ये क्या करेंगे हम लोग, इसका डिफरेंशिएटिंग जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा रूट, ये फंक्शन को अगर मैंने एक्स बोल दिया तो ये रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है वन अपॉन टू रूट एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वन अपॉन टू रूट एक्स, लेकिन x नहीं था तो कोई अलग फंक्शन, तो अलग फंक्शन लिख लिया मैंने प्लस फाइव इंटू, क्या करना पड़ेगा, ये अलग फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो है e रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव, बराबर है, तो बराबर है, तो ये एज इट इज रहेगा dy बाई डी एक्स, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। तो ये टू रूट ऑफ e रेस टू 3x प्लस टू प्लस फाइव एज इट इज रहेगा इनटू, ये क्या हो जाएगा e रेस टू 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो यही आएगा प्लस टू, लेकिन अभी मुझे बताओ, अभी मुझे बताओ ये प्लस फाइव का डेरिवेटिव जीरो आएगा तो वो चला गया, लेकिन ये अलग फंक्शन था, ये e रेस टू x का पता है मुझे, e रेस टू x का x होता है ना, लेकिन e रेस टू अलग फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे वो भी फंक्शन को, मतलब दूसरा फंक्शन क्या मिला मुझे 3x प्लस टू का भी डेरिवेटिव मुझे लेना पड़ेगा, आया समझ में ना। देखो पहले इसका डेरिवेटिव ले लिया, फिर उसके अंदर जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव ले लिया, अभी उसके अंदर फंक्शन का फंक्शन है, तो वापस मुझे जो भी इनर फंक्शन मिला मेन, ये इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा ये एज इट इज आगे आ जाएगा, लेकिन इसका 3x का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, तो 3 एंड 2 का डेरिवेटिव 0, तो यहां पे सिर्फ आएगा 3, तो मैं इसे लिखूं यहां पे 3 बाई 2 इंटू, ये आ जाएगा ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव, दिस विल बी माई फाइनल आंसर, आया समझ में, बहुत इजी है कि नहीं। अभी देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है उन्होंने, अच्छा तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, बहुत ही सिंपल है, अभी ये कोई तो लॉग का फंक्शन दिया है, तो ये अंदर सोचो कि x ही है, क्या है लॉग के अंदर, मैं बोलूंगा कि x ही है, अगर x ही है तो लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है, मुझे पता है वो होता है वन अपॉन x, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा dy by dx, सिंपल इजी, अच्छा ये log x था, मैंने बोला 1 upon x होता है, लेकिन क्या मेरा x था वो x नहीं था, कोई अलग फंक्शन था, तो उसको मैंने लिख दिया as it is, लेकिन वो अलग फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव बनता है फिर, हाँ बनता है, तो किसका डेरिवेटिव लेंगे d by dx of tan of x by 2,
बराबर है, हाँ बराबर है। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, अगेन ये एज इट इज होगा डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा मुझे पता है वन अपॉन टैन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स, तो मैं इसको बोलूंगा कॉट ऑफ एक्स बाय टू। क्या कुछ गलत है, कुछ गलत नहीं है, बराबर है। ओके इनटू डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स क्या आने वाला है, तो मुझे पता है टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, टैन एक्स का डेरिवेटिव था सेक स्क्वायर एक्स, तो मैं यहां पे लिखूंगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स नहीं लिखूंगा, क्यों, वो एक्स बाय टू था तो एक्स बाय टू लिखा, लेकिन एक्स नहीं था ना, कुछ अलग फंक्शन था, तो उसका मुझे अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ये एक्स बाय टू का, तो मैं बोलूंगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स बाय टू। आया समझ में, तो फाइनली क्या करेंगे देखो, डी वाई बाय डी एक्स। अच्छा कॉट ऑफ एक्स कैसे लिखते हैं हम लोग, कॉट मतलब क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो मैं इसे लिखू कॉस ऑफ एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स बाय टू, चलेगा, कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है। अच्छा ये सेक्स स्क्वायर को कैसे लिखते हैं हम लोग, वन अपॉन कॉस स्क्वायर, तो इसे लिखू वन अपॉन कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स बाय टू, चलेगा। इनटू ये एक्स बाय टू का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो एक्स बाय टू का कैसे होगा, देखो ये वन अपॉन टू कॉमन आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव आता है वन, तो मुझे मिलेगा सिर्फ वन अपॉन टू। आया समझ में। अच्छा यहाँ पे कैंसिल कुछ होगा क्या, देखो हाँ हो सकता है, ये एक कॉस हो जाएगा और इसमें से एक कॉस हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉस बचेगा, समझ रहा है ना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर था यहाँ पे कॉस था, तो एक एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ कॉस बचेगा, तो मुझे मिलेगा डी बाय डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू साइन ऑफ एक्स बाय टू इंटू कॉस ऑफ एक्स बाय टू, बराबर है कॉस ऑफ एक्स बाय टू। आप बोलोगे यहां पे सर खत्म हो गया, नहीं, क्यों, मेरे पास एक फॉर्मूला था, क्या आपको याद है कौन सा फॉर्मूला, आप बोलोगे सर कौन सा फॉर्मूला, तो मैं फॉर्मूला बोलता हूं कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला कुछ याद है आपको, क्या था साइन टू थीटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला मुझे था क्या था, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब क्या होता है, तो अगर ये टू थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा थीटा, लेकिन अगर मैंने बोला कि ये साइन एक्स था, अगर ये बोला मैंने साइन एक्स था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू साइन एक्स बाय टू डॉट कॉस एक्स बाय टू, क्या समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, तो अगर ये है तो इसका फाइनल मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे मिलना है डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन साइन एक्स, बराबर है ना, अगर ये साइन एक्स यहाँ पे होता टू इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता तो मैं साइन टू एक्स लिखता, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स बाय टू है, तो मैं क्या लिखूंगा साइन एक्स लिखूंगा, क्या लिखूंगा साइन एक्स, बराबर है ना। ये अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो ये आप वापस एक बार देखो, मैंने क्या किया यहाँ पे टू थीटा था तो ये थीटा थीटा था, बराबर, अगर यहाँ पे x ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल होता है ना उसका हाफ एंगल ये फॉर्मूला में होता है, तो यहाँ पे जो भी एंगल है इसका हाफ ये फॉर्मूला, मतलब x बाय टू है, हमारे पास x बाय टू है इसीलिए साइन एक्स आया, तो वन अपॉन साइन एक्स क्या होता है, वन अपॉन साइन एक्स मेरा होता है कोसेक एक्स, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया डेरिवेटिव दिस कोसेक एक्स। आया समझ में, बहुत इजी है ना, सिंपल है, बस आप एक स्टेप बाय स्टेप करते जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। ओके तो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया, देखो वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ टैन ऑफ रूट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे देखो मुझे पता चल रहा है कि ये रूट का फंक्शन है, तो आउटर फंक्शन मेरा रूट है और अंदर कुछ तो फंक्शन है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलूंगा, तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स का मुझे पता है क्या होता है, रूट ऑफ एक्स क्या होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, लेकिन एक्स है क्या, नहीं वो अलग फंक्शन है, टैन ऑफ रूट एक्स है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया टैन ऑफ रूट एक्स है, लेकिन नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि अंदर फंक्शन कुछ अलग है, तो उसका डेरिवेटिव बनता है, तो उसका डेरिवेटिव हम लोग क्या बोलेंगे कि टैन ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव निकाल के मुझे दे दो, ठीक है हाँ, तो चलेगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा। अच्छा ये वन अपॉन टू रूट ऑफ टेन एक्स, टेन रूट एक्स भी एज इट इज रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, बराबर है। इनटू अच्छा ये टेन टेन ऑफ, मैं सोचूंगा कि ये मेरे पास जो फंक्शन है ना वो एक्स ही है, तो टेन ऑफ एक्स क्या होता है, तो टेन ऑफ एक्स होता है मेरा सेक्स स्क्वायर एक्स, एक्स मतलब क्या, वो एक्स था नहीं, वो रूट एक्स था, तो रूट एक्स आ गया। इनटू यहाँ पे खत्म हो गया क्या, नहीं, क्यों, ये अलग फंक्शन था ना, बराबर है ना, ये अलग फंक्शन था, एक्स नहीं था रूट एक्स था, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव मुझे लेना पड़ेगा, तो डीवाई बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स ले लूंगा, तो फाइनली मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो वो देखो कि ये आ जाएगा यहाँ पे
लेट से कि सेक्स स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय टू रूट ऑफ टैन ए टैन ऑफ रूट एक्स इन टू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली मेरा आंसर क्या होने वाला है तो वो देखो, तो न्यूमरेटर में मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो सिर्फ यही अकेला है सेक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, हाँ बराबर है। अच्छा ये टू इंटू टू कितना हो जाएगा, फोर, ये रूट एक्स आगे आ गया है रूट एक्स इन टू रूट ऑफ टेन ऑफ रूट ऑफ एक्स, आया समझ में, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। अच्छा ठीक है, ये हो गया फोर्थ वाला क्वेश्चन, जो हम लोगों ने सेकंड वाले क्वेश्चन के सिमिलर ही है कि रूट का फंक्शन था उसके अंदर कुछ भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग को देखना है कि फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो अगेन ये देखो, अभी ये कॉट क्यूब मतलब क्या होता है, मैं आपके लिए सिर्फ सिंपल लिख देता हूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब, ये ब्रैकेट है, मतलब कौन सा वाला फंक्शन है, ये है एक्स रेस टू एन वाला फंक्शन जिसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हर बार लिखना जरूरी है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ये थ्री आगे आ जाएगा इन टू, इसको मैंने एक्स कंसिडर कर लिया तो इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा मुझे, इसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो एज इट इज आएगा। अच्छा रेस टू क्या होता है, एन माइनस वन मतलब थ्री माइनस वन होगा, अच्छा थ्री माइनस वन, लेकिन ये एक्स नहीं था कोई अलग फंक्शन था, उसका मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, बराबर है ना। चलो ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं हम लोग, उसमें क्या डिफिकल्ट है, हम लोग को आता है कॉट का डेरिवेटिव, पता है मुझे कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है ना, कोसेक स्क्वायर होता है कि माइनस, क्यों सी है तो होगा माइनस, तो ये एज इट इज रहेगा, हाँ एज इट इज रहेगा एक्स क्यूब, थ्री माइनस वन मतलब टू, अच्छा ये कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो मुझे पता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो इसको ब्रैकेट दे दे माइनस कोसेक स्क्वायर, लेकिन क्या है अंदर क्या है, तो अंदर था लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये एज इट इज रहेगा, बराबर है, लेकिन यहां पे मैं छोड़ दूं तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्यों क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अंदर फंक्शन अलग था तो उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, अच्छा ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू थ्री, ये एज इट इज रहेगा मेरा कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब रेज टू स्क्वायर, ये माइनस कोसेक स्क्वायर है ना, ये माइनस कोसेक स्क्वायर है, और ये इसके अंदर क्या है, जो फंक्शन था हम लोग का एक्स लॉग ऑफ एक्स क्यूब वाला, ठीक है, इनटू लॉग ऑफ एक्स, देखो अभी वापस क्या करेंगे, लॉग ऑफ वन अपॉन लॉग ऑफ एक्स क्यूब, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, लॉग ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स, लेकिन वो एक्स था क्या, नहीं एक्स क्यूब था, तो वन अपॉन एक्स क्यूब इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ इसका लेना पड़ेगा मुझे, ये एक्स क्यूब अलग से फंक्शन था ना, उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, हाँ डेरिवेटिव उसका लेना पड़ेगा, बराबर है ना, ये किसका डेरिवेटिव ले लिया, ये जो फंक्शन अलग से था उसका डेरिवेटिव ले लिया, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू थ्री, ये एज इट इज रहने वाला है कॉट लॉग ऑफ एक्स क्यूब रेज टू स्क्वायर और रेज टू टू, ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू, अच्छा ये वन अपॉन एक्स क्यूब एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा एक्स क्यूब का, तो टू एक्स थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर आएगा, बराबर है ना, तो ये अगर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो इसमें से दो एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक्स बचेगा, तो मुझे क्या रह गया मेरे पास, ये होगा मेरा फाइनल आंसर, जो क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस साइन आगे आ जाएगा और यहाँ पे एक्स थ्री अपॉन एक्स बचा ना वो भी यहाँ पे आ जाएगा, तो थ्री इंटू थ्री कितना हो जाएगा नाइन, तो मुझे क्या मिलेगा माइनस नाइन, या ऐसे लिखो देखो माइनस नाइन अपॉन डिनोमिनेटर में एक एक्स बचा, देखो ये एक्स स्क्वायर था एक्स क्यूब था तो एक एक्स बचा है, उसके बाद ये आ जाएगा हमारा ब्रैकेट, पावर इसका ज्यादा इसका कम है तो इसको आगे ले लेते, तो ये बचेगा कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, बराबर है ओके, ये इसको ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, ये इनटू है इनटू, ये बड़े ब्रैकेट में क्या बचेगा कॉट लॉग ऑफ
एक्स क्यूब रेस टू टू, दिस विल बी माई फाइनल आंसर। आया समझ में? बहुत इजी है बराबर है। ये स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, और ये भी बराबर है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, इजी समझ में आएगी। ये कॉट स्क्वायर क्या, कॉट क्यूब क्या होता है, तो पूरे कॉट का क्यूब होता है, इसीलिए वैसे लिखते। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, माइनस वन अपॉन एक्स, यहां पे लिखोगे, ये भी राइट आंसर है। ये सिर्फ मैं कहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है वो बताना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो एक्स क्यूब इंटू ये कॉट को मैं ये कॉट स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूं, तो यहां पे क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। ये भी राइट है, ये भी राइट आंसर है। आया समझ में? यहां तक हमारे फिफ्थ क्वेश्चन तक खत्म हुआ। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो सिमिलर क्वेश्चन है ना उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, मैं डिस्कस कर दूंगा हर एक क्वेश्चन को। तो हम लोग को सिक्स वाला क्वेश्चन क्या दिया, अगेन वाई ए रेस टू समथिंग है, तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करा है, ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, याद है कि नहीं, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। लेकिन ये x के जगह पे कोई फंक्शन है तो हम लोग उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो हम लोग पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर है, तो ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अच्छा ठीक है, फाइव रेस टू, मैंने इसको x समझ में ले लिया, x अज्यूम कर लिया, तो ये क्या होगा, एज इट इज सेम जो होता है वो साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री इंटू लॉग ऑफ फाइव, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। लेकिन ये अलग से फंक्शन था ना, तो इसका भी डेरिवेटिव मुझे लेना पड़ेगा, तो मैं क्या लूंगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री बराबर है, हाँ बराबर है, चलो डेरिवेटिव ले लेते, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइव साइन क्यूब प्लस थ्री इंटू लॉग फाइव, ये एज इट इज आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ ये पूरे फंक्शन का लेना है मुझे, तो मुझे बताओ ये साइन क्यूब एक्स है, जैसे लास्ट में कॉट क्यूब था, ये साइन क्यूब है, आया समझ में, तो इसका कैसे डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आएगा पहले थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू, यहां पे खत्म होगा क्या, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मुझे बताओ, क्योंकि ये ना एक्स रेस टू एन का तो हो गया ना, लेकिन अंदर फंक्शन कौन सा, साइन एक्स फंक्शन है, ये थ्री का तो जीरो हो जाएगा, तो इसका सवाल नहीं कुछ, उसका सोचेंगे नहीं, हम लोग अभी तक सिर्फ साइन क्यूब का ले रहे थे, तो ठीक है। तो अंदर फंक्शन क्या, ये देखो ये ऐसे था, आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं वापस, क्यूब था, तो इसका डेरिवेटिव मैंने जो लिया तो ये मिला मुझे साइन स्क्वायर एक्स बराबर है इंटू, ये अंदर फंक्शन क्या साइन था ना, तो साइन का डेरिवेटिव मुझे लेना पड़ेगा, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मुझे यहां पे लिखना है कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ अंदर फंक्शन कौन सा, तो साइन एक्स था, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे हम लोग, तो अभी फाइनल आंसर मेरा ऐसे हो जाएगा dy by dx is equal to क्या, dy by dx is equal to ये 3 आगे आ जाएगा 3 into ये sin square x आ जाएगा sin square x into ये sin x का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, वो आ जाएगा cos x बराबर into बचा क्या है मेरे पास, ये जो बचा है ना पूरा का पूरा, ये ऐसे लिख देंगे अभी, तो 5 raise to साइन क्यूब प्लस थ्री साइन क्यूब एक्स, हाँ यहाँ पे एक्स लिखना भूल गया मैं, साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री इंटू लॉग फाइव, तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल का फाइनल आंसर। आ रहा है समझ में मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये पूरा फंक्शन था उसका डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन ये एक्स नहीं था तो उसका अगेन डेरिवेटिव ले लिया, अगेन इसका डेरिवेटिव मैंने लिया, लेकिन ये क्या था, एक्स नहीं था, साइन एक्स था फंक्शन, अंदर वाला इनर फंक्शन, तो इनर फंक्शन का वापस डेरिवेटिव ले लिया, वो आ गया कॉस एक्स, आया समझ में। तो ये हमारा सिक्स वाला क्वेश्चन था, तो हम अभी सेवंथ वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके अगेन यहाँ पे क्या दिया है, कोसेक मेरा आउटर फंक्शन है, रूट ऑफ कॉस एक्स मेरा इनर फंक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, याद है क्या, कोसेक का डेरिवेटिव होता है कोसेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है बराबर है, लेकिन ये माइनस आएगा, ये क्या आएगा, माइनस, तो मैं क्या लिखूंगा अभी, तो यहां पे लिखना है मुझे माइनस कोसेक रूट ऑफ कॉस एक्स, वही फंक्शन लिखूंगा इंटू कॉट रूट ऑफ कॉस एक्स, लेकिन क्या वो एक्स था, एक्स नहीं था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो अंदर का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो बोलोगे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स। अच्छा ठीक है, तो अगेन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसेक
रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू रूट का डेरिवेटिव क्या आता है, तो रूट का आता है 1/2 रूट ऑफ, क्या एक्स था, एक्स नहीं था तो कॉस एक्स था, तो कॉस एक्स ऐसे ही आएगा, लेकिन इनर फंक्शन अलग था तो उसका उसका वापस डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा कॉस एक्स का डेरिवेटिव मुझे वापस लेना पड़ेगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बराबर है कॉस एक्स, क्या हो जाएगा कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई टू रूट ऑफ, ये क्या है कॉस एक्स इंटू कोसेक रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट रूट ऑफ कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। क्यों आया समझ में, यही मेरा होने वाला है फाइनल आंसर। ओके लेट्स स्टार्ट विद द 8 क्वेश्चन। लेकिन 8 क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज बताने चाहता हूं कि जो हम लोग ने लास्ट 7 क्वेश्चन किया ना, ये 7 क्वेश्चन विच इज सिमिलर टू 15 क्वेश्चन, ना सेम क्वेश्चन नंबर 2 में से जो 15 क्वेश्चन है उसी का सिमिलर। देखो यहाँ पे क्या था, कोसेक था, यहाँ पे साइन दिया है, और रूट के अंदर कोई अलग फंक्शन था, यहाँ पे भी अलग फंक्शन दिया, तो ये दोनों सिमिलरली है, सेम सॉल्व करने हैं, ठीक है। सिर्फ एक लास्ट में स्टेप बढ़ जाएगा आपका कि ये रूट एक्स दिया है, यहाँ पे एक्स दिया, तो आपको लास्ट में और एक रूट एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम सॉल्व करना है। उसी तरह जो 5th वाला क्वेश्चन था विच इज सिमिलर टू 10th वाला क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। 10th में क्या था, कॉट क्यूब था, यहाँ पे कॉस क्यूब दिया है, सेम लॉग है, एक फंक्शन है, सेम लॉग है, एक फंक्शन है, दोनों सेम है, तो दोनों एक जैसे सॉल्व करने हैं, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं लेने वाला, इसीलिए सिर्फ मैं डिस्कस करके रख रहा हूं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम क्वेश्चन है, कैसे, लॉग है, लॉग है, उसके अंदर एक ट्रिगो फंक्शन है, ट्रिगो फंक्शन है, उसके अंदर और अलग से एक फंक्शन है, यहाँ पे भी अलग से एक फंक्शन है, ठीक है। तो उसमें से मैं 8 वाला अभी सॉल्व करने वाला हूं, चलो ठीक है सॉल्व करते हैं। तो यहां पे क्या दिया है देखो हम लोगों को अभी, कि लॉग ऑफ ये फंक्शन दिया है, लॉग ऑफ क्या दिया है, ये फंक्शन दिया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन पहला स्टेप क्या था हमारा, इसको y इज इक्वल टू बोल देंगे, y इज इक्वल टू दिस लॉग ऑफ, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, अच्छा ठीक है x करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, हाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग, अच्छा लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव मुझे पता है ना क्या होता है, विच इज 1/x, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा 1/ क्या है, x था नहीं कोई अलग फंक्शन था, वो फंक्शन मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, तो cos ऑफ x³ - 5 इंटू, यहां पर खत्म होगा क्या, नहीं, क्यों, ये अलग फंक्शन था ना, इनर फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव मुझे लेना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन क्या था, तो इनर फंक्शन था कॉस x³ - 5 बराबर है, हाँ बराबर है, चलो तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा, तो अगला स्टेप होगा dy बाई डी एक्स, ये सेम रहेगा ऐसे ही, कॉस x³ - 5 इंटू कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, हाँ माइनस साइन, क्या वो एक्स था नहीं कुछ अलग फंक्शन था, तो अलग फंक्शन एज इट इज आएगा पूरा, क्या यहाँ पे खत्म होगा हमारा डेरिवेटिव, नहीं खत्म होगा, क्यों, ये अलग फंक्शन है, एक्स नहीं था ना, ये अलग फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव मुझे लेना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x³ - 5 बराबर है, हाँ बराबर है। लास्ट फाइनल कैसे हो जाएगा हमारा, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस साइन है बराबर है, तो यहां पे माइनस साइन आ गया, ओके ये क्या होगा साइन x³ - 5 है डिवाइडेड बाई ये क्या है कॉस x³ - 5 है, एंड ये x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, तो x³ का डेरिवेटिव होगा 3x², हाँ 3x² होगा बराबर है, तो ये सिंपल लास्ट में कैसे सिंप्लीफाई होगा, देखो ये माइनस साइन है, इसे ये 3x² अगर आगे आ गया, ठीक है ना, ये 3x² आगे आ गया, अच्छा यहां पे क्या होगा, तो ये साइन अपॉन कॉस है ना, साइन ऑफ सेम फंक्शन डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ सेम फंक्शन, तो मैं इसे लिख सकता हूं टैन ऑफ x³ - 5 बराबर, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। आया समझ में, कोई इसमें डाउट है, एकदम इजी है, ठीक है ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, e^2 एक कोई तो फंक्शन मुझे दिया है, तो ये अलग से मेरा फंक्शन है, अच्छा तो पहले क्या लिखूंगा मैं, हर स्टेप यही होता है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम लोग, अच्छा ठीक है, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ये
क्या है ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, ई रेस टू एक्स का होता है ई रेस टू एक्स सेम, तो यहां पे भी मैं लिखूंगा ई रेस टू एक्स, एक्स के जगह पे क्या था थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स, बराबर है। लेकिन यहीं पे खत्म होगा क्या, नहीं, क्यों, ये अलग से फंक्शन था ना, ई रेस टू कोई अलग फंक्शन था, एक्स नहीं था, तो उसका डेरिवेटिव मुझे लेना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, ये पूरा ब्रैकेट जो है थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये रहेगा एज इट इज, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। ओके, यहाँ पे होगा ई रेस टू, ये एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, इनटू, देखो थ्री साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कैसे होगा, तो ये जो थ्री है ना, ये कॉन्स्टेंट तो आगे आ गया। अच्छा ये क्या है, साइन स्क्वायर है, बराबर, तो यहां पे एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज होगा, तो ये क्या होगा थ्री इंटू टू, ये टू आगे आ गया, साइन ऑफ एक्स होगा ना टू माइनस वन, एन माइनस वन कितना होगा वन ही होगा, मतलब सेम रहेगा, इंटू अंदर का फंक्शन क्या था एक्स के जगह पे साइन एक्स था, तो ये क्या आ जाएगा कॉस एक्स, आया समझ में। तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं देखो, हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, थ्री एज इट इज रहेगा टू साइन एक्स आया इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, बराबर है, ये फॉर्मूले से यहां तक मैंने सॉल्व किया, ये क्या हो गया यहां तक, इसका डेरिवेटिव मैंने लिया नहीं, यहां पे लिखा है मैंने कि कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक स्टेप बढ़ा रहा हूं मैं बस आप लोगों के लिए, ओके। तो यहां पे हो जाएगा माइनस, ये टू कांस्टेंट वैसे ही रहेगा। अच्छा ये कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स मतलब कॉस ऑफ कॉस एक्स का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर एक्स लेंस टू एन वाला फॉर्मूला, तो ये टू आगे आ जाएगा, तो इंटू टू कॉस एक्स है ना, टू माइनस वन वन हो जाएगा, मतलब कॉस एक्स इंटू क्या आना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, बराबर है ना, क्यों, ये अलग से फंक्शन एक्स नहीं था ना, एक्स की जगह पे कॉस एक्स था, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव तो लेना पड़ेगा हम लोग को, बराबर है। चलो तो यहां पे क्या आएगा, ये एज इट इज आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस टू कॉस स्क्वायर एक्स, बराबर है, इनटू ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा देखो, तो ये आ जाएगा थ्री, मैं ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं देखो, इसको एक अलग से ब्रैकेट में लिख देता हूं, क्या होगा ये टू साइन एक्स, बराबर है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है कॉस एक्स, इसको एज इट इज ऐसे ही रख दो, माइनस ये कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको ऐसे कर दो। अच्छा ठीक है, ये टू को भी ऐसे ही रख दूंगा, ये एक ब्रैकेट हो गया मेरा, ये टू को भी ऐसे ही रख दिया, ये टू है बराबर, इसका डेरिवेटिव आया था माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पे आएगा फिर सिर्फ साइन एक्स इंटू ये वाला कॉस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, सिर्फ इसको सिर्फ मैंने एक ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, क्यों। अच्छा हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट कोई क्वेश्चन में एक फॉर्मूला देखा था ना, साइन टू थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बराबर है। तो मेरे पास यहां पे कुछ आपको दिख रहा है क्या अलग से, टू साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, टू साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, मतलब ये क्या होगा, मतलब ये क्या होगा, तो इसको ऐसे ही रखेंगे वापस, ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ब्रैकेट में थ्री इंटू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा साइन टू एक्स है ना, साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो मेरे पास क्या, ये थीटा के जगह सिर्फ एक्स है, मतलब ये टू थीटा, तो ये टू एक्स प्लस टू इंटू, ये क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा साइन टू एक्स, क्या बराबर है ना। इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं मुझे बताओ, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, ये साइन एक्स साइन टू एक्स कॉमन आ जाएगा, तो उसको आगे ले लू मैं, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आगे साइन टू एक्स इंटू ई रेस टू, ये क्या है थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा ये ब्रैकेट में क्या बचा था, तो यहां से थ्री बचा, यहां से टू बचा, थ्री प्लस टू कितना होता है, तो लिख देता हूं पहले मैं, एक स्टेप बढ़ा लेता हूं, चलेगा ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा ये कितना होगा, थ्री प्लस टू फाइव, मैं लिख दू फाइव इंटू साइन टू एक्स इंटू ई रेस टू थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये होगा मेरा फाइनल आंसर। क्या आपको समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व किया, बहुत इजी है ना,
बस हम लोग को ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेप कैसे कर रहे हैं। अगर वो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो जो इनसाइड फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव लेना है, वो भूलना नहीं है कभी भी हम लोग को, ठीक है। चलो तो इसके बाद हम लोग ने जो 10th वाला क्वेश्चन मैंने बोला था वो 5th का सिमिलर है, तो अभी हम लोग डायरेक्ट देखेंगे 11th वाला क्वेश्चन। कौन सा? 11th वन। ओके, तो देखो ये 11th वाला एंड 12th वाला ना क्वेश्चन सिमिलर है। कौन सा? 11th वाला एंड 12th वाला, इसलिए इन दोनों में से मैं एक 11th वाला सॉल्व कर रहा हूं। देखो ना, ये भी टैन ऑफ सम फंक्शन है, ये भी सेक ऑफ सम फंक्शन है, आगे क्या कॉस ऑफ सम फंक्शन है, ये टैन ऑफ सम फंक्शन है, तो सिमिलरली सॉल्व करते हैं। तो कैसे? सबसे पहले क्या बोलेंगे, ये y इज इक्वल टू टैन, ये क्या होगा कॉस साइन एक्स बराबर है। अच्छा ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, किसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, तो x के साथ। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, y को डिफरेंशिएट किया तो y बनेगा dy बाई डी एक्स बराबर है। अच्छा हाँ, ये टैन ऑफ सम फंक्शन है ना, टैन का डेरिवेटिव क्या होता है, टैन का डेरिवेटिव होता है हमारा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर। लेकिन क्या वो एक्स था? नहीं, वो एक्स नहीं था, वो कुछ अलग ही था, तो वो अलग है जो उसको हम लोग लिख देते हैं बराबर है। तो यहां पे मेरा डेरिवेटिव खत्म होगा? नहीं, क्यों, इनसाइड फंक्शन कुछ अलग फंक्शन था ना, तो उसका भी डेरिवेटिव लेना बनता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कौन था अंदर, तो अंदर साइड था कॉस ऑफ साइन एक्स। ओके, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, अगेन ये भी ऐसे ही रहने वाला है, कॉस ऑफ साइन एक्स है ना, ये एज इट इज रह गया। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है, तो कॉस का होता है मुझे पता है कि माइनस साइन होता है, माइनस साइन ऑफ क्या एक्स था वो, नहीं वो एक्स नहीं था, वो कुछ अलग ही फंक्शन था, तो अलग फंक्शन एज इट इज लिख दो। ओके ठीक है, लेकिन यहां पे खत्म होगा क्या? नहीं होगा, क्यों, अंदर साइन एक्स था ना, एक्स नहीं था, तो उसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा मुझे, तो ये क्या हो गया साइन ऑफ एक्स। ठीक है चलो, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर cos साइन ऑफ एक्स इंटू, ये ब्रैकेट भी एज इट इज रहेगा, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स बराबर है। अच्छा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो cos एक्स। ठीक है, तो इसको फाइनली हम लोग कैसे लिखेंगे बराबर है ना, इसको फाइनली हम लोग लिखेंगे कैसे, तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस साइन है तो माइनस साइन आगे आ गया, ये होगा sec स्क्वायर cos साइन एक्स ब्रैकेट कंप्लीट, ये दूसरे ब्रैकेट में क्या है मेरा साइन ऑफ साइन एक्स है इन टू कॉस एक्स है, दिस विल बी माई फाइनल आंसर। आया समझ में? इजी है ना। सिमिलरली ये 12th वाला भी सॉल्व करना है, पहले sec का क्या आएगा, sec एक्स tan एक्स, तो sec x एंड tan x ये आ जाएगा, लेकिन ये अलग से फंक्शन है ये वाला, तो इसका भी डेरिवेटिव होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा sec स्क्वायर दिस फंक्शन। अच्छा लेकिन ये फंक्शन भी अलग है, तो इसका भी आगे डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x। तो आया समझ में? बहुत इजी है, आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, पहला आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर इनर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर इसमें भी क्या इनर एंड आउटर है, फिर आउटर का डेरिवेटिव, इनर का डेरिवेटिव लेंगे, फिर ये फाइनल मेरा डेरिवेटिव आ जाएगा। आया समझ में? ओके, तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज 13th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है हम लोग को, तो यहाँ पे बोला ई रेस टू सम फंक्शन दिया है, तो इसमें मुझे दो चीजें आपको अलग से एक्सप्लेन कर रही है जो लॉग पे बारे में है। फर्स्ट थिंग क्या होता है कि जब हम लोग बोलते हैं ना ये लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये चीज अलग है, एंड लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर ये चीज अलग है बराबर, आई समझ में? इसी की तरह अगर हो सकता है कि साइन स्क्वायर एक्स अलग जगह है एंड साइन एक्स का स्क्वायर अलग जगह है, समझा? तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, सेम फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट थिंग एक्सप्लेन करना था। दूसरा मतलब क्या कि जब भी हमें मिलेगा ई रेस टू लॉग ऑफ ई इंटू, यहां पे कोई भी फंक्शन मिला, इंटू यहां पे कोई भी फंक्शन मिला, जैसे एफ ऑफ एक्स कुछ भी होने दो, यहां पे कुछ भी होने दो, तो इसका आंसर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है ना, ई रेस टू नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स बोलेंगे तो वो एफ ऑफ एक्स मिलता है। मतलब कोई भी फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया कि ई रेस टू लॉग ऑफ ई टू द बेस ई, लेट से यहां पे 495 लिया, तो मेरा आंसर क्या होगा 495। मतलब यहां पे कुछ भी हो, अगर मैंने बोला ई रेस टू लॉग ऑफ ई रेस टू, यहां पे लेट से
एक प्लांट ले लिया, तो इसका क्या होगा? इसका आंसर भी होगा प्लांट। आया समझ में? ये चीज ध्यान में रखना कि ई रेस टू लॉग ऑफ ई रेस टू, यहां पे जो कुछ भी होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले क्या बोलेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। वाई इज इक्वल टू, लेट कंसिडर कर लिया मैंने, तो सिंप्लीफाई कैसे होगा वो देखो। वाई इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, ई रेस टू जो कुछ भी हो, टू द बेस कुछ नहीं दिया मतलब बेस ई होगा, है ना, कुछ भी नहीं दिया मतलब बेस ई ही होना है। तो क्या होता है, वही फंक्शन होता है, तो मुझे क्या मिलेगा, लॉग ऑफ एक्स द होल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर इसका आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो आप मुझे बोल दे रहा, मैं अलग से एक वीडियो बना के इस पे डाल दूंगा कि ये फंक्शन का ये प्रूफ कैसे होता है, आप बताओ तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी हमारा तो सिंपल फॉर्म में आ गया ना ये, इसको करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अच्छा, ये कौन से फॉर्म में, लॉग एक्स रेस टू स्क्वायर है, मतलब ये एक्स रेस टू एन के फॉर्म में, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, टू लॉग ऑफ एक्स टू माइनस वन करेंगे तो वन ही आने वाला, तो यही होगा। लेकिन क्या वो एक्स था, वो एक्स नहीं था, वो कोई अलग फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना, फिर डी वाई बाई डी एक्स कौन था वो, तो वो लॉग एक्स था, बराबर है। माइनस इसका भी डेरिवेटिव होगा, है ना, यू माइनस वी वाला रूल होता है ना, पहले यू का डेरिवेटिव लेंगे माइनस वी का डेरिवेटिव, इसका क्या आएगा। अच्छा, लॉग ऑफ एक्स, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स, लेकिन क्या एक्स था वो, ये एक्स स्क्वायर लिख दिया, लेकिन क्या वो एक्स था, नहीं वो एक्स स्क्वायर था, मतलब अलग फंक्शन था ना, तो मुझे उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है, तो किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर का। ओके चलो, तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई होता है उतना सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। ओके, टू लॉग एक्स, अच्छा लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स, तो वन अपॉन एक्स आ गया, वन अपॉन एक्स होता है ना लॉग का, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स, तो वहीं से आया ये। अच्छा, माइनस ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इन टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, टू एक्स, बराबर है, क्या आएगा, टू एक्स, तो हो क्या जाएगा, ये एक कैंसिल हो गया, यहां से एक कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, अभी देखो, तो यहां पे होगा डी वाई बाई डी एक्स, है ना, तो यहां से मैं क्या क्या कर सकता हूं, ये रहेगा टू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू बाय एक्स। अभी इसमें से चाहिए तो आप ये टू बाय एक्स कॉमन निकाल सकते हो, अंदर क्या रहेगा, लॉग वन लॉग एक्स माइनस वन, बराबर है, तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। आया समझ में? ठीक है, ठीक है, तो यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग डायरेक्ट चालू करने वाले, क्यों, तो क्वेश्चन नंबर 14 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7, मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को, ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8, तो ये हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे, तो हम लोग सॉल्व कर रहे क्वेश्चन नंबर 16 वाला। 16 वाला क्या दिया, ये भी बहुत सिंपल है, मैंने सिर्फ एक दो स्टेप कर लिए ना, तो आप बोलोगे सर ये हम लोग सॉल्व कर सकते, तो कौन से दो स्टेप, तो हम लोग को दो तीन चीजें इसके बारे में पहले पढ़नी है हमें, कि मैंने ये फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि लॉग ऑफ एम टू द बेस एन होगा, तो इसको नेचुरल लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाँ पता था, ऊपर वाला ऊपर चला जाता है एम टू द बेस ई, एंड नीचे वाला नीचे चला जाता है एन टू द बेस ई, ये याद है हम लोगों को। अच्छा, दूसरा चीज क्या होता है, ये पता है हम लोगों को, लॉग ऑफ, अगर मैंने बोला ए रेस टू एम है, क्या ए रेस टू एम है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो पावर होता है वो लॉग के आगे आगे जाता है ना, एम लॉग ऑफ ए, ये सब लॉग में 11th में, शायद आप लोगों को ये टॉपिक स्किप किया हुआ है, लास्ट टाइम से ये टॉपिक नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आप लोगों को, कि ये तो हम लोगों ने अभी फॉर्मूलाज में देख लिया, लेकिन ये क्या होता है, ए रेस टू पावर एम है ना, तो ये पावर आगे आ जाएगा इंटू लॉग ऑफ ए होता है, ये लॉग में होता है, ठीक है, नेचुरल लॉग में। उसके बाद और क्या होता है, एक चीज हम लोग को याद रखनी है कि लॉग ऑफ ई क्या होता है, वन, ये भी मैंने पहले लास्ट टाइम आपको बताया था जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज कर रहे थे तभी, राइट, तो ये चीज ध्यान में रखो, उसके बाद हम लोग ये सॉल्व करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या, स्टार्टिंग में नहीं डिफरेंशिएट करेंगे, हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, देखो पहले क्या करेंगे, ये दोनों को अलग अलग करेंगे ना, बेस अलग है इसका, तो इन दोनों को सेम बेस में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, देखो ऊपर वाला ऊपर चला गया मतलब ये लॉग एक्स इधर ही आ जाएगा, टू द बेस ई है, नहीं लिखा तो भी चलता है, कुछ नहीं होता मतलब टू द बेस ई होता है वो। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ये ई टू द बेस ई वन होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा नीचे का नीचे आएगा, दोनों का बेस ई होगा, नहीं लिखा तो भी चलता है, बट मैं लिख रहा हूं। ओके, अच्छा दूसरा और इसमें क्या चेंज होगा, देखो ये तो एज इट इज रहेगा लॉग ऑफ लॉग एक्स। ओके, डिनोमिनेटर मैंने क्या बोला था, ये पावर रहेगा तो आगे आ जाता है, ये पावर रहेगा तो
आगे आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ई। अच्छा लॉग ऑफ ई क्या होता है, ये लॉग ऑफ ई क्या होता है, ई होता है वन। तो क्या हो गया, तो वाई इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, लॉग ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो ले लो इसका डिफरेंशिएशन, अभी अभी ले सकते हैं ना हम लोग, इजी हो गया ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सिर्फ दिखता डिफिकल्ट है ये, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है ऐसे टाइप में, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा ये 1.2 है ना, ये क्या है कॉन्स्टेंट है, तो उसको आगे ले लेते हैं हम लोग, बाजू में ले लेते। अच्छा लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1/x, लेकिन क्या वो एक्स है, नहीं वो लॉग एक्स है, तो 1/log x होगा। यहाँ पे खत्म हो गया क्या, नहीं ये फंक्शन अलग था ना, तो इसका डेरिवेटिव लेना बनता ना इनर फंक्शन का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ओके सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, हम लोग सीधा फाइनल आंसर लिखेंगे। अच्छा ये लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 इंटू, ये यहां से एक्स आ गया, 1/x इंटू लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। क्या सही है, आया समझ में? ओके चलो, तो ये 17th क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी है। देखो ये हम लोग को अंदर क्या है वो नहीं दिखना, हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा ये x^n है, क्या है x^n, तो इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है x^n-1 होता है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ, तो x के साथ कर रहे हैं हम लोग, तो क्या बोलेंगे dy by dx, राइट है, ओके बराबर है dy by dx। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या आता है, तो n मतलब 2 इंटू ये जो ब्रैकेट है ना वो एज इट इज लिखेंगे, बराबर है। अच्छा और उसका 2-1 होगा, हाँ होगा, लेकिन ये अंदर क्या एक्स था, नहीं एक्स था, नहीं था ना, वो अलग फंक्शन था, तो उसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हम लोग को, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा ब्रैकेट, कौन सा लॉग ऑफ क्या होगा, देखो लॉग ऑफ लॉग एक्स, बराबर है ना। ओके तो हम लोग ले लेते हैं, तो ये तो एज इट इज रहेगा, डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू, ये क्या होगा log ऑफ log x। ओके 2-1 क्या होगा, 1, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे कि ये log x है, बराबर, हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हाइड कर देंगे ब्रैकेट पूरा, और क्या बोलेंगे log x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, क्या लेकिन वो x था, नहीं वो x नहीं था, वो अलग ही फंक्शन था पूरा, log ऑफ log x था, बराबर, वो फंक्शन अलग था, तो उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा नहीं इनर फंक्शन का, तो मैं क्या बोलूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या बोलूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये लॉग ऑफ लॉग एक्स, राइट है ना। ये चेन रूल देखा कैसे पढ़ते जा रहा है, इसीलिए इसको चेन रूल बोलते हैं हम लोग। ओके तो ये एज इट इज रहेगा, ये लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज रहेगा। ओके ये भी ऐसे ही रहने वाला है, लॉग ऑफ एक्स। ओके अच्छा अगेन ये जो अंदर है ना उसको मैं एक्स ले लूंगा, तो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, लेकिन वो एक्स था क्या, नहीं वो लॉग एक्स था, इनटू क्या होगा ये जो अंदर का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे हम लोग लॉग एक्स। हाँ ये लॉग एक्स मेरा स्टैंडर्ड फंक्शन है, मतलब यहां पे इसके यहां पे जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो उसके बाद मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बराबर है ना, डेरिवेटिव नहीं करूंगा मैं, रुक जाऊंगा। डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, बराबर है। अच्छा ये अगेन यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं, मैं एक ही डिनोमिनेटर में लिख देता ना इन लोगों कि ये लॉग एक्स है इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स है, बराबर है। ओके हाँ चलेगा, इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x। अच्छा तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, देखो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, डी बाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स निकाल लू मैं यहां पे लेके आऊ 2/x। अच्छा ब्रैकेट में क्या आ सकता है, देखो लॉग ऑफ सॉरी लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या है लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स है, ब्रैकेट कंप्लीट हो, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, इजी है ना, देखा ना कितने टाइम, ये क्या है फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, चार फंक्शन थे तो मेरे पास, मैंने कितने डेरिवेटिव, ये फर्स्ट वाला लिया, ये सेकंड वाला लिया, ये थर्ड वाला लिया और फोर्थ वाला लिया, चार डेरिवेटिव लेना पड़ा क्यों, चार फंक्शन थे, आया समझ में।
तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या दिया है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, हाँ बाबा एक्स के साथ, ओके तो क्या लिखेंगे डीवाई बाई डी एक्स। अच्छा अभी मुझे बताओ ये साइन स्क्वायर है डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे क्या, नहीं एक्चुअली वो साइन स्क्वायर मतलब क्या है, ऐसा है ना साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ स्क्वायर है ना, मतलब पहले एक्स रेस टू एन वाला फंक्शन आएगा, फिर साइन एक्स स्क्वायर का फंक्शन आएगा और फिर एक्स स्क्वायर आएगा, ये तीन फंक्शन है एक ही में, समझ रहे क्या कि बाहर वाला फंक्शन ये है, ये अंदर वाला ये है और ये छोटू वाला ये है, तो तीन फंक्शन है एक के अंदर, हम लोग को आराम से करना है। कैसे, तो साइन स्क्वायर एक्स मतलब एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टू इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, बराबर है। अच्छा एक्स स्क्वायर क्या वो एक्स था, नहीं वो साइन एक्स था, तो मैं क्या बोलूंगा इसको डी बाय डी एक्स ऑफ कौन था अंदर, तो साइन स्क्वायर एक्स था, साइन एक्स स्क्वायर था सॉरी, बराबर है ओके। सिमिलरली कॉस के अंदर भी तीन फंक्शन है तो हम लोग वैसे ही करेंगे, बराबर है, तो एक स्क्वायर था तो इसको टू इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, यहां पे रुकना है क्या, नहीं क्यों, अंदर फंक्शन था कॉस एक्स स्क्वायर था, तो डी बाई डी एक्स भी वो इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना मुझे कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा समझ में ओके। चलो तो अभी क्या करेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स ले लिया इज इक्वल टू ये टू इंटू साइन एक्स स्क्वायर हो गया ओके। अच्छा साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो मैं बोल सकता हूं कॉस एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन कॉस एक्स स्क्वायर क्या वो एक्स था, नहीं वो एक्स स्क्वायर था ना, तो मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे भी मुझे वही करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे टू इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा इंटू कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव आता माइनस साइन, तो माइनस साइन लिख देता हूं साइन एक्स स्क्वायर, लेकिन क्या वो एक्स था, नहीं वो एक्स नहीं था वो एक्स स्क्वायर था, तो मुझे उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा ओके ठीक है। चलो क्या सिंप्लीफिकेशन होता है देख लेते अभी, तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स स्क्वायर डॉट कॉस एक्स स्क्वायर, बराबर है। अच्छा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा पता है आपको, तो इसका आएगा टू एक्स माइनस ये क्या होगा टू, ये माइनस माइनस प्लस कर दू हाँ चलेगा, तो प्लस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, सिर्फ अरेंज किया मैंने साइन को पहले लिया कॉस एक्स स्क्वायर इंटू इसका क्या आएगा टू एक्स ओके ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने बोला, तो आगे क्या आएगा, क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो मुझे बताओ ये क्या होता है टू साइन, हम लोग ने वापस वही फॉर्मूला यूज करे टू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है टू साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, बराबर है ना, देखो ना यहाँ पे टू है हाँ टू है, साइन एक्स स्क्वायर है, ये एंगल कौन सा है छोड़ दो, ये थीटा के जगह कुछ भी हो सकता है वो एक्स वाई जेड है ना, यहाँ पे भी थीटा, ये भी एंगल सेम है ये भी एंगल सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसके हिसाब से, तो ये टू एक्स एज इट इज आगे ले लेता हूं, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये ऐसे हो जाएगा मेरा साइन टू एक्स स्क्वायर, बराबर है ना, ये कैसे आया देखो, ये सिर्फ मैंने इसके जगह पे एक्स स्क्वायर डाला, किसके जगह पे एक्स स्क्वायर डाला, इसके जगह पे एक्स स्क्वायर डाला, बराबर है ना, मतलब ये क्या हो गया साइन टू एक्स स्क्वायर, ये क्या था टू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर था, तो ये आ गया। सिमिलरली प्लस ये टू एक्स यहां से ले लिया मैंने और ये भी पूरा सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा साइन टू एक्स स्क्वायर, बराबर है हाँ बराबर है। अच्छा इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, तो ये पूरा ब्रैकेट कॉमन है, तो निकाल लो कॉमन, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये पूरा कॉमन आ गया टू एक्स साइन ऑफ टू एक्स स्क्वायर। अच्छा अंदर क्या बचा, यहां से कुछ भी नहीं मतलब वन, यहां से भी कुछ भी नहीं मतलब प्लस वन, तो वन प्लस वन टू हो गया, तो फाइनल आंसर क्या होगा मेरा, ये वन प्लस वन टू, टू इंटू टू फोर, मतलब फोर एक्स इंटू साइन ब्रैकेट टू एक्स स्क्वायर, और ये है मेरा फाइनल आंसर, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर टू होता है समाप्त। ठीक है इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखो, कुछ हमें ट्रिकों के फॉर्मूलेज याद रखने हैं, जैसे साइंस आइडेंटिटी वाला होता है, ये एंगल्स वाले होते हैं, वो सब थोड़े थोड़े याद रखने हैं हम लोग को। ठीक है इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री, तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है।